पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। प्राची को ढूंढ रहे हो? देखा तुमने? हाँ, वो ऊपर रूम में जाते हुए जोश के साथ। सही गेस किया ना मैंने? तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग? हाँ। नो अल्कोहल। अल्कोहल नहीं पीती तो डांस तो करती होगी। शैल वी? क्या बोरिंग आने लगा है डीजे में? चल बोलते कुछ धमाल वाले लगा। Say no more, let's go। अरे डांस बहुत अच्छा किया तूने। है ना? हाँ। मुझे समझ नहीं आता लोग पार्टी क्यों करते हैं। I mean it's so boring। क्योंकि हर कोई तेरी तरह बोरिंग नहीं होता ना। बहुत भूख लग रही है, कुछ खाते हो फिर घर चलते। तू जाके खा, मुझे लगता मुझे नहीं खाना चाहिए। सही तो कह रहा है राघव। इतने अमीर लोगों के बीच में उसे थोड़ा अजीब फील हो रहा होगा। It's okay यार। After all servant जो है ना। नहीं नहीं ये तो मेरे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। I know। मेरे भी ऐसे कई फ्रेंड्स हैं जो करीब है, बट मुझे उनके साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है। बट कभी कभी ना वो थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इसलिए मैं उन्हें ज्यादा पुश नहीं करता। बट राघव तुम वहाँ स्टाफ और ड्राइवर्स के साथ चिल करो। हम एक मिनट जोश, ये क्या तरीका हुआ? I mean, राघव फैमिली है। मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। आई नो, आई एम रियली सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं उससे भी सॉरी बोलूंगा। राघव आई एम रियली सॉरी मैन, बट मैंने ड्राइवर्स और स्टाफ के लिए बाहर एक बहुत अच्छी पार्टी सेटअप की है। तुम्हें यहाँ चिल करना है यहाँ चिल करो, वहाँ करना है वहाँ करो। राघव तुम अंदर ना, बिरयानी आई खुशबू यहाँ तक आ रही है। और तुझे पता है ना I love बिरयानी। मेरी माँ प्लीज मुझे बाहर जाने दे वरना बिरयानी बुरा मान जाएगी। और आज ना पेट भर के खाऊंगा। राघव प्राची हाँ? अब मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिला दो। हाँ बस एक मिनट, वो मैं डी से बात करके आती हूँ। जस्ट दिस वन। से पाना वाकई मुश्किल है या ये बस मेरे लिए मुश्किल बना रही है? जो भी है चैलेंज तो है, पता नहीं कैसे आएगी ये मेरे करीब। Excuse me. Hi, Adina. No, Angad. नहीं नहीं मैं अदीना। Good for you. Dance करोगे मेरे साथ? I'm not again. आपने किया है। लिसन नगीना अदीना जो भी तुम्हारा नाम है ना, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है ना उनके साथ डांस करने में इंटरेस्ट है। ओह, तो तुम शाय टाइप के हो। वैसे फिर तो हमारी बहुत जमेगी क्योंकि मैं तो बिल्कुल बेशरम हूँ, यू नो, टोटली बेशरम। तो बताओ ना अपने बारे में कुछ, और क्या हॉबीज है तुम्हारी? हंटिंग करना। बकवास ना करना, अपने में रहना और वो मेरे दोस्त वहाँ पे खड़े हुए हैं। हाउ क्यूट। और क्यूट हॉबी बताता हूँ तुमको, मैं पानी बहुत ज्यादा बचाता हूँ, दो दो दिन तक नहाता नहीं। रबिश। तुम लड़कियों की बातें ऐसी होती है, रबिश। ब्रेनलेस जो हो तुम। तुमने मुझे ब्रेनलेस कहा? तुम्हें मैंने ब्रेनलेस नहीं कहा, तुम्हारे लिए सेंसलेस भी चलेगा। एक्सक्यूज मी, अदीना नाम है मेरा। जो तुम पे बिल्कुल फिट नहीं हो रहा है। देखो अगर तुम मुझे इस जैकेट की वजह से मोटा कह रहे हो ना, तो मैं तुम्हें बता दूं ये स्लिम फिट है। जो तुम पे बहुत ज्यादा इल फिट है। तुम बुरा मान गई इस बात का? अगर ये सेम चीज मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स को कहता ना तो वो खुश हो जाते कि वो मीडियम से एक्स्ट्रा लार्ज की तरफ जा रहे हैं, मतलब उनकी बॉडी बन रही है। पर तुम रोड रोलर बन के मुझे मारोगी है ना? रोड रोलर? तुमने मुझे रोड रोलर कहा? मैं तुम बहुत मीन हो। मैं मीन हूँ? मैं मीन नहीं हूँ यार, तुम बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो। एक्चुअली लड़कियों का प्रॉब्लम यही है, तुम्हारी सिर्फ हाइट बढ़ती है, दिमाग वहाँ पे ही रहता है। ऐसा क्या गलत बोल दिया मैंने? मैंने बॉडी शेप, यू इडियट। थोड़ा आराम से भी यार, फिर तो अपना देख यार। मुझे भी लगता है प्राची और पीयू को पार्टी में भेजना गलत था। मतलब तू उससे क्या पूछ रहा है? मैं बोलता हूँ, अवनी के एक बार कहने से तूने दोनों लड़कियों को पार्टी में भेज दिया। तूने एक बार ये सोचा कि मोनिका को कैसा लगेगा? एक बार भी? प्लीज, हम दोनों की शादी एक बिजनेस डील थी जिसमें उसके फादर को अपना फायदा दिखाई दिया और मुझे प्राची और पीयू का। यस,
आई थॉट इन्हें एक माँ मिल जाएगी और बदले में मैं मोनिका को एक कंफर्टेबल लाइफ दे रहा हूँ. उससे ज्यादा उसे मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए. एनीवे रिपीट. हाँ, मेरा लार्ज बनाई लास्ट. ओके, आई एम गुड. गुड यार, राम लाइफ में अकेला था लेकिन वो होपफुल था. इसकी लाइफ में इतनी करवाहट है यार. सुना मैंने, दोबारा नहीं सुनना. ओके, कान कितने शार्प है इसके. अरे सुनाने के लिए बोला था मैंने. यार बुरा लगता है इसके लिए. यार मैं चाहता हूँ कि लाइफ में इसके ऐसा कोई जादू हो जाए ना कि उसका दिल फिर से धड़कने लग जाए. नहीं यार, ये काम तो कोई जादूगर ही कर सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा जादूगर है कौन? एक्सक्यूज मी, वो जो लड़की है ना उधर, वो अगर अल्कोहल ऑर्डर करेगी ना तो उसको मत देना प्लीज. नो अल्कोहल. ठीक है, मांगेगी भी ना. नो. बहुत बदतमीज है यार वो लड़का. मुझे लगता है मैंने कहीं देखा है उसे तेरे साथ. अच्छा, नाम क्या था उसका? कुछ तो बताया था उससे पर मुझे याद नहीं है. पर बोला क्या? तुझे पता है उसके खुद के बाल तो ना फिडो टिटो जैसे थे और मेरा मजाक उड़ा रहा था वो. मैं ना उसका मुंह तोड़ दूंगी, मोटी बोल रहा था मुझे. ऐसा बोला उसने? ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. आई एम श्योर इट हर्ट्स. अंगद ऐसे क्यों चला गया? यही था ना? अदीना, ये लड़का ना थोड़ा शाय टाइप का. सीरियसली, जब इसे कोई लड़की पसंद आ जाती है ना तो ये ऐसी बातें करता है. अब जो भी इसके दिल में रहता है ना ये बोल ही नहीं पाता है. सीरियसली. क्या? अरे ये इसकी पिकअप लाइन है. तुम एक्सेल हो, यू नो. आई थिंक ही रियली लाइक्स यू. ही डज. रियली? रियली. एंड एक बात बताओ, वो लड़का ना मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसे अच्छी तरह से जानती हूँ. He really likes you. And I think he would like you to follow him. So go uske peeche jao. Go. Don't waste your time. Tee to kitni, matlab kaise? Sachi mein. Bach gaya. Aap samjhi. Jab mujhe lag raha tha ki tum mean ho rahe ho, tab tum kuch aur mean kar rahe the. You like me, right? Kahan phasa diya? तो कितनी मीन है यार. देखा मीन यार. चल एक इसका वीडियो बनाते हैं. एक मिनट. अरे बेबी सुनो. मिस पीहू कपूर. थैंक यू. चीयर्स. टी ड्रिंक. अरे ये क्या है? मुझे मेरा फ्रेंड दिखा. रियली? सबको पता है तुम्हारी दिमाग की तरह ना तुम्हारा फ्रेंड लिस्ट भी खाली है. गेट लॉस्ट प्लीज. आई मीन पीहू. इसको बोलना यहाँ से जाए. ये पीहू दी, तू कितना परेशान करती रहती है इसको. मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ? सॉरी. तुम कौन हो? बंटी. बंटी की बहन बबली है ना, उसके बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं. क्या? कौन है लो? मेरी पार्टी क्रैश कर. नहीं नहीं नहीं. सिक्योरिटी. प्राची इधर आओ ना. अरे जल्दी आओ ना. जोश को बोलो ना तुम मुझे जानती हो. अरे बोलो ना. वो पीहू है ना, वो मेरी दोस्त है और प्राची भी मेरी दोस्त है. व्हाट? नो. अरे बोलो ना कि तुम मुझे जानती हो. हम उठा के ले जाएंगे मुझे. मैं इसे जानती हूँ. हाँ जानती हूँ मुझे. सब जानते हैं ना. कैसे जानते हो तुम इन लोगों को? तुम एलके को जानते हो? उनके वाइफ का भतीजा हूँ मैं. अरे तो पहले क्यों नहीं बताया तुम पीहू और प्राची के भाई हो? भाई? नहीं नहीं, मैं उनके अंकल के वाइफ का भतीजा हूँ. जब उनके पेरेंट्स. तो जो भी है, तुम भाई है कि नहीं वो पता. दोस्त हूँ. हम सब ना एक ही घर में रहते हैं. खून का रिश्ता नहीं है हमारा. देख जैसा भी हो, आज से अभी से तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है. ओके? मैं कल सुबह ऑफिस आके बात करूंगी. ओके, आई विल टॉक टू यू लेटर. बाय, गुड नाइट.
क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे? एक सेकंड, पानी देना और टिश्यू भी देना. What happened? ऐसा क्यों है? क्या हुआ? एक सेकंड पहले तुम एक मुझे एक बात बता, तुम रो क्यों रही हो? उसने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया, दिल तोड़ दिया यार मेरा. मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ इतना बुरा करेगा. तो सोचना चाहिए था ना, क्योंकि हर प्यार करने वाले के साथ ऐसा ही होता है. बिकॉज लव इज इक्वल टू पेन. और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें.